पर्यटकों के लिए सर मुंगेर में ऋषि कुंड है, सीता कुंड है, लेकिन लोग वहाँ पे जाने से कतराते हैं। ऋषि कुंड हो रहा है, विकास की बहुत कमी है। ध्यान दिया जाए मुंगेर में पर्यटन का ऐसी संभावनाएं हैं, प्रकृति की विकास सर वहाँ पे नहीं हुआ है सर। होगा होगा, चिंता मत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के क्रम में आज मुंगेर में है। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया है, साथ ही निर्माणधीन वानिकी कॉलेज का भी निरीक्षण किया है। बता दें कि इस दौरान पत्रकारों ने सीएम नीतीश से तलख सवाल पूछ दिया, तब मुख्यमंत्री ने बगल में खड़े जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह स्थानीय सांसद ललन सिंह की तरफ हाथ किया और हंसते हुए सवाल को टालकर निकल गए। बता दें कि मुंगेर में भ्रमण के बाद सीएम नीतीश मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मुंगेर में किए गए कामों का जायजा लिया। इसके बाद पत्रकारों ने थोड़ा हाथ सवाल पूछ दिया। पत्रकारों ने पूछा कि मुंगेर में ऋषि कुंड और सीता कुंड है, वहां पर जाने से लोग कतराते हैं, वहां पर कोई विकास नहीं हुआ है, पर्यटन की असीम संभावना है। सवाल सुनकर सीएम नीतीश ने हंसते हुए बगल में खड़े ललन सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि होगा होगा, आप लोग चिंता नहीं करिए। फिर दोनों नेता हंसते हुए वहां से निकल गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मुंगेर आते रहते हैं, यह ऐतिहासिक जगह है, पौराणिक स्थलों में से एक है, हम लोग तो इसके महत्व को काफी अच्छे से समझते हैं, यहाँ पर कुछ होना चाहिए। तो हमने कहा कि वानिकी महाविद्यालय मुंगेर में ही बनेगा, यहीं पर से तो दिख रहा है, ठीक बगल में बनाया जाएगा, यहाँ हम एक एक काम करा रहे हैं, हमको जो देखना था हम वो देख लिए हैं, विकास का काम देखे हैं, वानिकी संस्थान की चर्चा तो होने लगी है, जब इसका काम शुरू हो जाएगा तो बहुत लोग यहाँ पर पढ़ पाएंगे, लोग देखने आएंगे और देखेंगे कि कितना अच्छा बना है, यह यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है, बाकी सब चीज तो बन ही रहा है और हम इसमें भी आगे काम करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो सुने आप लोग। यहीं पे बनेगा, आप बगल में देखिए ना भाई, यहीं पर तो दिखता है ना। हाँ, ये इधर देखिए, ठीक बगल में यहीं पर बन रहा है, तो इसी तरह से यहाँ एक एक काम कितना सुंदर बन गया है, तो जो भी हमको देखना था हमको देख ही बात है, और बाकी सब भी विकास का काम देखना, उसके चलते हम जो दौरा कर रहे हैं, और आज आप जानते हैं कि दो अन्य जिलों में भी हम देखने जाएंगे, लेकिन मीटिंग तीनों का एक साथ अभी रख दी, तभी तो इनका घूम लिया है, मीटिंग कर लेंगे वो दोनों जीविका दीदियों वाला भी, और तीनों जिलों के समीक्षा बैठक भी कर लेंगे, और उसका फिर यहाँ के बाद हम बाकी दोनों लखीसराय से पूरा में जाके वहाँ भी देखेंगे, चाहे जितना समय लगे हमको। कॉलेज है बिहार का जिसको जिसकी परिकल्पना आपने की है, यानी कि एग्रीकल्चर में भी अब अलग। देखिए ये तो इतना अच्छा, ये वाला जो बन रहा है ये इंस्टीट्यूशन की चर्चा तो बाहर होने लगी है, और जब इसका काम शुरू हो जाएगा तो बहुत लोग तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो देखने आएंगे कि कितना अच्छा बना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए, और बाकी सब चीज तो बन ही रहा है। तकनीकी शिक्षा में मेडिकल का भी तय, तकनीकी शिक्षा में कई सारे काम किए जा रहे, तो पहले से बन गया है, मेडिकल की बात कर रहे हैं कि मेडिकल भी बनने वाला है, सब कुछ सब तो अलग जगह, लेकिन मेन जो है ना ये बहुत ही खास चीज है, वो सब तो है जो बन रहा है, बन गया है, कुछ बन रहा है, ये बन गया है, इसके लिए तो सब काम हो रहा है। अच्छा, अब दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा, बन रहा है सर, पहले इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर मेडिकल कॉलेज, वानिकी का भी। तो वानिकी का तो एकमात्र जो तय हुआ कि एक जगह बनेगा, तो उसी के लिए हम लोगों ने यही का तय किया, एक तो पहाड़ियां हैं बगल में, और दूसरी बात है कि यह भी एक पौराणिक स्थल है, इसलिए यही के बारे में तय किया गया। पर्यटन का असीम संभावना है। यहाँ पे आज हम सवेरे गए थे गंगा के किनारे, तो डॉल्फिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, तो लगता है कि आपने जो कहा है कि इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए, तो उसकी कुछ तो करेंगे, वो तो हम लोग एक एक चीज़ देख रहे हैं, देखिए उन सब चीज़ों के लिए जो करना हो तो किया ही जा रहा है, उसमें सब कुछ, और इस बार देखिए बहुत दिक्कत हुई है, वर्षापात नहीं हुआ उसके चलते, ये भी देखना है ना भाई सर, यहाँ पे सीता कुंड है और ऋषि कुंड है, ऐसी स्थिति में भी यहाँ के लोगों को सुविधा हो, तो सब चीज़ तो हम लोग पहले, इस बार देखिए बहुत दिक्कत हुई है, वर्षापात नहीं हुआ उसके चलते, ये भी देखना है ना भाई सर, यहाँ पे सीता कुंड है और ऋषि कुंड है, ऐसी स्थिति में भी यहाँ के लोगों को सुविधा हो, तो सब चीज़ तो हम लोग पहले ही से तय कर चुके हैं, तो होगा ही।
लेकिन बाकी सब चीज़ को तो देखेंगे। तो जिसमें वर्षापात हो उसी समय हम लोग घूम करके देख लिए कि क्या क्या चीज़ वर्षापात नहीं हुआ, सुखाड़ रहा, तो उस समय तो हम लोग आकर के एक चीज़। सर पर्यटकों के लिए सर मुंगेर में ऋषि कुंड है, सीता कुंड है, लेकिन लोग वहाँ पे जाने से कतराते हैं। ऋषि कुंड हो रहा है, विकास की बहुत कमी है। ध्यान दिया जाए मुंगेर में पर्यटन का सही संभावनाएं हैं, प्रकृति की विकास सर वहाँ पे नहीं हुआ है सर। होगा होगा, चिंता मत। तो आपने सुना सीएम ने क्या कुछ कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।